व्हाट इज अप गाइस। सो पिछले 18 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन मेरे साम्स की आपकी स्क्रीन पे लाइव है। आप चेक कर सकते हो कंडीशन किस तरह की कंडीशन आ चुकी है। और ये 18 दिन की है, इसमें पेप्टाइड्स हैं, साम्स हैं, कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड मैंने यूज़ अभी तक नहीं किया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल बॉडी जो आप एस्थेटिक एक चेस करते हो, बिना एनाबॉलिक्स के भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छा कोच है, अच्छी डाइट प्लान है, अच्छा वर्कआउट प्लान है, आप कंसिस्टेंट हो, तो आप सांस लेके भी अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। ये 18 दिन की रिपोर्ट है। अभी तो मेरा आई थिंक 2.5 महीने पड़े हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, तो अभी मुझे और फैट लॉस करना है। आई हैव लॉस्ट अराउंड 5 किलो सो फार। मैंने स्टार्ट किया था 73 kg से एंड माई वेट, करंट वेट इज 68, और मुझे 60 किलो तक जाना है। आई नो आप लोग सोचते हो कि 60 किलो भैया, 60 किलो का प्योर मसल मास जो होता है लेस बॉडी फैट के साथ, वो बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो 7-8% अगर आपकी बॉडी फैट है और आप 60 किलो के हो, तो आप 80 किलो वाले बंदे से ज़्यादा बड़े दिखोगे जिसका 20% बॉडी फैट है, ठीक है। और मेरी हाइट जो है 5'7" है, तो उस हिसाब से मेरी बॉडी ऐसे भी ह्यूज लगती है। तो ये जो आपने अभी कंडीशन देखी, तो आपने कुछ सीखा होगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग स्लॉट्स मेरे ओपन हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए बाकी आपसे मिलते हैं।